फिर हम एकदम फ्रेश कुंदन चोकर नेकलेस की ऑरेंज डिजाइन सीखेंगे। इस कुंदन नेकलेस में हमने जो फैंसी बीड्स यूज किए हुए हैं, ये फैंसी बीड्स हमने द डिजाइन का वेबसाइट से मंगवाए हैं। अगर आप भी मेरी तरह ही अलग अलग मटेरियल मंगवाना चाहते हो तो आपके लिए मैंने द डिजाइन का वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ साथ जो मटेरियल मैंने मंगवाया है उसकी अलग से एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उधर जाके आपका जो भी मनपसंद रॉ मटेरियल है आप मंगवा सकते हो, आपको वो अफोर्डेबल और रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और ऐसे ही कुंदन ज्वेलरी के अलग अलग ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी भी सब वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप अलग अलग ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। आप खुद के लिए भी बना सकते हो और आपके अपनों के लिए भी अलग अलग कुंदन ज्वेलरी के जो नेकलेसेस हैं वो आप बना सकते हो। तो चलिए हम सीखते हैं कि पर्ल और कुंदन के साथ साथ फैंसी बीड्स यूज करके बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव जो नेकलेस है हम बहुत ही आसान तरीके के साथ कैसे बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे हमने 8 mm ग्लास पर्ल लिए हुए हैं और वैसे ही 6 mm साइज के पर्ल्स लगेंगे हमें। अगर हम ये ऑफ वाइट कलर के ले रहे हैं तो सेम आप शेड ले लो, क्योंकि हम एक ही डिज़ाइन में ये दोनों यूज़ करने वाले हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लैट सर्कुलर शेल बीड्स यूज़ किए हैं। ये जो बीड्स हैं मैंने द डिज़ाइन कार्ड वेबसाइट से मंगवाए हैं। अगर आपको ये और इस तरीके के बीड्स आपको मंगवाने हैं तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके इस प्रकार के बीड्स आप ऑर्डर कर सकते हो। वैसे ही अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो बहावा 10 का तो आपको टोटल परचेस पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे 8x8 mm साइज़ का ये स्क्वायर कुंदन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप जान लो कि आप स्क्वायर शेप का कुंदन कौन सा भी ले लो, लेकिन यहाँ पे आपको हर साइड में दो दो होल होने चाहिए, ऐसे कुंदन हमें लगेंगे। ये कुंदन नेकलेस बनाने के लिए हमें हेड पिंस लगेंगे, जंप रिंग्स लगेंगे, क्रिम बीड लगेंगे। वैसे ही नेकलेस एडजस्ट करने के लिए हमें एडजस्टेबल डोरी लगेगी। और यहाँ पे ये पूरा नेकलेस है चोकर की तरह बनेगा तो इसको स्टिफनेस आना चाहिए, तो इसके लिए हम बीडिंग वायर गोल्डन यूज़ करेंगे। और इसका मैं थिकनेस भी आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि बीडिंग वायर कितने थिकनेस की कितने साइज़ की हमें यूज़ करनी है। तो ये 0.45 mm की ये साइज़ है। तो ये जो साइज़ है इन जनरल साइज़ है, आप कौन सा भी बीडिंग वायर का नेकलेस बनाने के लिए इस तरीके का वायर जो है आप यूज़ कर सकते हो। ये सेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके का जो कुंदन है उसको ये शेल बीड जो है अटैच करके लेना है। और इस नेकलेस की खासियत ये है कि हमने इसको पर्ल कुंदन और इस तरीके के फैंसी बीड को हमने एक साथ कंपाइल किया है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये हमें बनाना है तो इसके लिए हम अभी एक हेडपिन लेंगे। हेडपिन में हमें ये बीड डालना है और ये मैं साइज़ हेडपिन का बड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं एक्सेस ऊपर का जो हेडपिन का पिन है वो मैं कट करूँगी। जितना लुक चाहिए हमें उतना ही हमें रखना है। नॉर्मली हम ये 1 cm का जो पीस है वो रखते हैं और यहाँ पे हमें राउंड नोज प्लायर के साथ इसको लुक करना है इस तरीके से। ये हाफ लुक ही बनता है और उसके बाद हमें यहाँ पे पकड़ के इसको बैकवर्ड बेंड करना है और फिर हमें इस कुंदन के जो निचला वाला हिस्सा है इस और इस साइड का जो एंगल का होल है उसमें हमें डाल के फिर ये क्लोज करना है।
नॉर्मली हम ऐसे नेकलेस जब बनाते हैं तो जो प्रिपरेटरी थिंग्स होते हैं, जो हमें नेकलेस बनाने के लिए, एक्चुअल बनाने के लिए उसके पहले जो चीज़ करनी चाहिए हमें, वो पहले हम कर लेते हैं। तो इसीलिए इस तरीके के कुंदन विथ बीड अटैच हम 10 ऐसे कुंदन रेडी करके लेंगे। यहाँ पे मैंने सब 10 कुंदन जो है उसको बीड के साथ अटैच किया। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो कि कितना उसका अच्छा लुक आ रहा है। नेकलेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 फीट का एक बीडिंग वायर का पीस जो है कट करके लिया है। वैसे ही मैंने कुछ 8 mm के और 6 mm के पर्ल्स यहाँ पे लूज़ करके लिए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक जंप रिंग डालनी है इस बीडिंग वायर में। किसी भी एंड से हमें ये रिंग डालनी है और ये ऑटोमेटिकली मिडल पॉइंट पे जाएगी और यहाँ पे दोनों एंड में एक ही हमें क्रीम बीड फिरो लेना है और उसको ऐसे एंड तक लेके जाना है। तो वायर का एग्जैक्टली ऐसे मिडल पे ये रिंग आ जाएगी। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे क्रीम बीड जो है वो पैक करना है। ये हम टाइटली दबा देंगे तो यहाँ पे ये रिंग जो है वो लॉक हो जाएगी और इस रिंग में फिर हम एडजस्टेबल डोरी अटैच करेंगे। अभी हमें एक ही 6 mm साइज का पर्ल डालना है, दोनों स्ट्रिंग में एक ही डालना है और किसी भी एक स्ट्रिंग में हमें 6 mm साइज का एक और 8 mm साइज का एक पर्ल डालना है। वैसे ही दूसरे स्ट्रिंग में सिर्फ हम अभी 6 mm साइज का एक ही बीड डालेंगे और फिर 6 mm साइज का जो पर्ल है वही स्ट्रिंग हम 8 mm साइज के एक ही बीड में से ऐसे उल्टी निकालेंगे, क्रॉस करेंगे यहाँ पे और इसको खींचेंगे। बीडिंग वायर है तो आपको थोड़ा टाइटली खींचना है। तो इस प्रकार ये ऐसे बनेगा। अभी हमें इसके बाद एक 6 mm साइज का पर्ल एक स्ट्रिंग में और एक 8 mm साइज का पर्ल और नीचे जो स्ट्रिंग आएगा उस स्ट्रिंग में हमें अभी सिर्फ हमें ये कुंदन डालना है और वो कुंदन के ऊपरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे 2 होल है, यहाँ पे 2 होल है। ऊपर के ये 2 होल छोड़ने हमें और नीचे के जो 2 होल है इस तरीके से हमें ऐसे बाहर निकालना है इस होल से इस होल में और फिर यही स्ट्रिंग हमें 8 mm साइज के पॉल में से ऐसे क्रॉस करनी है और खींचनी है। ये देखिए तो इस प्रकार ये ऐसे पैक होते जाएगा। तो अभी हमें फिर से ऐसे ही एक स्क्वायर करना है। नेक्स्ट हमें एक 6 mm एक 8 mm एक ही स्ट्रिंग में और दूसरे स्ट्रिंग में सिर्फ 6 mm और जिसमें सिर्फ 6 mm का बीड है वो स्ट्रिंग हमें इस 8 mm के बीड में क्रॉस करनी है। तो एक बार हमें कुंदन डालना है और एक बार हमें सिर्फ ऐसे स्क्वायर करना है। तो ये ऐसी डिज़ाइन बनेगी। अभी हमें ये कुंदन डालना है तो कुंदन डालते वक्त हम ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ 6 mm और 8 mm डालेंगे और नीचे की जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ हमें 6 mm के अलावा सिर्फ कुंदन डालना है और वो भी ऐसे इस तरीके से। और कुंदन वाली स्ट्रिंग जो है वो हमें ऐसे क्रॉस करनी है। बहुत ही आसान है ये करना। यहाँ पे मैं स्पेशली आपको ये बीडिंग वायर में दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस बहुत अच्छा आएगा। जब हम चोकर बनाते हैं तो उसको स्टिफनेस बहुत अच्छा आना चाहिए, तब भी वो गले में अच्छे से बैठ सकता है। तो यही प्रोसीजर जो है हमें 10 कुंदन तक रिपीट करनी है। तो वो मैं तब तक कंप्लीट करके ले रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने कंप्लीट 10 बीड जो है वो डाल के यहाँ तक कंप्लीट किया है और एंड में हमें एक एक 6 mm साइज का बीड हमने डाला है, क्रॉस नहीं किया है। और ये मैं चोकर बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 10 ही कुंदन डाले। आप चाहे तो इसको थोड़ा लॉन्ग बना सकते हो लेकिन चोकर जो है थोड़ा शॉर्ट ही रहता है और हम चोकर बना रहे इसलिए हमने अंदर बीडिंग वायर ही यूज़ किया है। तो अभी हम दोनों स्ट्रिंग में एक ही 6 mm साइज का बीड डालेंगे।
दोनों में एक ही हमें क्रीम बिट डालना है और फिर रिंग में डाल के उसको लॉक करना है। एक हमने यहाँ पे क्रीम बिट डाला और फिर दोनों स्ट्रिंग में रिंग डाल के अभी हम दोनों स्ट्रिंग जो है उल्टे क्रीम बिट और इस बिट से वापस उल्टे निकालेंगे। एक एक स्ट्रिंग करके हमें इसको जो है खींचते हुए जाना है, लेकिन इसके पहले बीड और क्रीम बीड हमें ऐसे जिस पोजीशन पे आपको लॉक करना है उस पोजीशन पे हमें रखना है और फिर हम एक एक स्ट्रिंग ऐसे खींचेंगे तो ये अच्छे से लॉक भी हो जाएगा और इसको जितना हमें स्टिफनेस चाहिए वो स्टिफनेस भी आ जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा ये नेकलेस बन गया है और इसको कोर भी जो है नेचुरल आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 mm और 8 mm एक साथ यूज़ किए हैं। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे क्रीम बीड प्रेस करना है। एक्सेस यहाँ पे ये वायर्स के एंड है वो हम ट्रिम कर लेंगे। पीछे की तरफ जंपरिंग में हम एडजस्टेबल डोरी लगा लेंगे। यहाँ पे हमने ये कुंदन का सेट फैंसी बीड के साथ रेडी किया और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ईयर रिंग भी रेडी किए हैं। इसको हमने जो नीचे कुंदन का पीस है वो सेम लगाया, सिर्फ ऊपर के ये 3 बीड जो है हमने जैसे लॉक करते वक्त एक कॉमन बीड डाला था वैसे डाल के वायर के साथ हमने ये टाई किए है और ऊपर का लुक बना के ये ईयर रिंग किया है। इस ट्यूटोरियल में हमने फैंसी शेल बीड्स यूज करके कुंदन पर्ल के साथ ये डिज़ाइन बनाई है। ये बनाने के लिए बहुत ही आसान और इजी है, बहुत ही कम टाइम में इस तरीके के नेकलेस आप बना सकते हो, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही क्रिएटिव इनोवेटिव और हेल्पफुल कंटेंट मेरे चैनल पे आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।